राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से आग लगने की कई खबरें सुनाई दे रही हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगी थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आज दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार बाजार में तड़के भीषण आग लग गई। जूते की मार्केट में आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की सूचना तड़के करीब 4 बजे मिली। आनन फानन में 39 दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। भीषण आग में फिलहाल किसी के हताहत या किसी के फंसने की जानकारी सामने नहीं आई। आग पर पूरी तरह दमकल कर्मियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। बाजार में आग की घटना से तमाम दुकान मालिक मौके पर पहुंच गए। वहीं भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। पुलिस विभाग आग लगने का कारणों का पता कर रही है। वहीं आग लगने के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। कहीं कहीं पर छिटपुट आग लगी हुई है। आग से करीब 15-16 दुकान क्षतिग्रस्त हुई हैं। 150 से 200 दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।